कमर का दर्द बहुत कॉमन है आज के दिन, और मैं आपको इसके पीछे क्या रीज़न है आपको सिंपली 2-3 लाइन में जल्दी से बताना चाहूँगा। बहुत सारे हज़ारों पेशेंट हमने ठीक करे हैं बिना किसी दवाई के, चंद सेशंस में, एक बार में या दो बार में, और ज़्यादातर लोगों में 3 बार में ये प्रोसेस से ठीक हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी हम दवा या इंजेक्शन या कोई सर्जरी का एडवाइस नहीं करते। देखिए, हमारी स्पाइन के अंदर गदियाँ होती हैं इस तरीके से, इनका काम होता है शॉक अब्जॉर्बेंट का। जब हम कुछ काम करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो जो शॉक आता है, झटका लगता है, उनका काम इनका अब्जॉर्ब करने का होता है। ये फोर्स को सुखा लेती हैं, यानी फोर्स झटका लगने से आपको बचाती हैं। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा बैठते हैं, लेटते हैं, या एकदम से भारी सामान उठाते हैं, खासकर यंगस्टर हैं आजकल जिम में बहुत ज़्यादा डेडलिफ्ट करते हैं, तो ये डिस्क जो है वो बाहर आ जाती है इस तरीके से। इसको मणका सरक जाना, डिस्क बल्ज हो जाना, डिस्क हो जाना, डिस्क हर्निएशन, तो इस तरीके से उसको बोलते हैं। तो ये जो डिस्क है, इसके ऊपर आके इसके ऊपर कोलैप्स हो जाती है। जनरली ये पानी होता है, पानी इसके ऊपर चढ़ जाता है। अब ये जो ये मेन पार्ट है यहाँ पे, ये जो नस है ये सप्लाई करती है नीचे वाले टांग पे, नीचे की तरफ जाती है, तो यहाँ से होती भी जाती है। ये इसका काम होता है मसल को कंट्रोल करना। तो जैसे कि आमतौर पर तार होता है बिजली का, जिसमें एक लाल तार होता है, एक काला तार होता है, वैसे ही नस के दो पार्ट होते हैं, एक सेंसरी पार्ट और एक मोटर पार्ट। तो शियाटिका होती है जिसको, यानी L4 L5 जिसको मणका सरका है, तो उसको सेंसरी और मोटर दोनों सिम्टम आएंगे, क्योंकि वो दोनों नस दब गई हैं। तो उनको झंझनाहट आना, ठंडा गर्म लगना, खिंचाव लगना और दर्द रहना, ये एक पार्ट होता है। इसके साथ साथ में उनकी टांग में वीकनेस आ सकती है, टांग पूरा वजन कम कम लेती है या पूरा तरीके से नहीं भी ले लेती, और उनको बेंड करके रखनी पड़ती है टांग। ये भी सारे शियाटिका के ही सिम्टम्स हैं। अगर सर्वाइकल है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, या कमर का दर्द है, या शियाटिका है, हम इस तरीके से कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट के थ्रू बिना किसी दवाई के या इंजेक्शन के या किसी ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं। कमर के दर्द में बहुत सारा आपको बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने की जरूरत होती नहीं है। कमर का दर्द आप घरेलू नुस्खों से या आपके डॉक्टर आपको जो बताता है, आपके देसी इलाज से भी आप ठीक कर सकते हैं। हम लोग इसका इलाज थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं। इसमें कुछ एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे पास में अलग अलग तरीके के, जैसे कि इसको एक्टिवेटर बोलते हैं, इसको फैसिलिटेटर बोलते हैं, हम मसल को रिलीज़ करते हैं। जो हमने जो एक मशीन पहले करी थी उसका नाम है फैसिलिटेटर, वो नर्व्स को एक्टिवेट करती है, अलाइन करती है स्ट्रक्चर्स को, हम उस तरीके से करते हैं। अब उसके अलावा बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, इंपॉर्टेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, जो उससे हम लोग नर्व पे काम करते हैं, मसल पे काम करते हैं, तो उनको खोलते हैं। इसके बाद में हाथों से कुछ प्रोसेस होती हैं, प्रक्रिया होती हैं हाथों से, जैसे हड्डी अगर बंद है, हड्डी का अगर मुंह बंद है, जैसे कि आमतौर पर होता क्या है कि डिस्क इस तरीके से दब जाती है हमारी, तो छल्ला जो है बाहर आ जाता है इस तरीके से, तो नस को दबाने लगता है। तो जनरली आमतौर पर ये जाता नहीं है, लेकिन हम लोग हाथों से कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट के थ्रू इसको बहुत अच्छे से खोल सकते हैं, जिससे नस फ्री हो जाती है। सर, आराम तो मुझे बहुत है, बट शरीर में अभी भी टेढ़ापन है थोड़ा सा, जब मैं खड़ा होता हूँ तो लाइक ही मेरे को इसमें अप रहता है थोड़ा, और जब खांसी मुझे आ रही है तो बहुत पेन आ रहा है, पूरे लेग में रेडिएटिंग हो रहा है पेन। वो इस पॉइंट पे कितना दर्द है? हाँ, यही मेजर पॉइंट है, यहाँ से मेरे को स्टार्ट हो गए और ये पूरा इधर उधर दर्द रहता है, और वॉक करता हूँ तो बैलेंस नहीं हो रहा, वेट नहीं ले रहा पूरा, ये वेट टांग वेट नहीं ले रही है पूरा। नहीं, ठीक है। और पिछली सेशन से और इस सेशन में फर्क कितना आ गया है? 60-70% आ रहा है। 67 आ रहा है। बस अभी दर्द में तो काफी आराम है, जो टेढ़ा लग रहा है। जी जी, एक बार चल के देखिए जरा, चलने में कैसा है? पहले जो वॉक थी उसमें तो काफी आराम है, बट स्टिल वेट नहीं ले पा रहा झुकने में कितना है? देखिए झुकने का, देखिएगा झुकना कितना जा रहा है, झुका कितना जा रहा है यहाँ तक, इस तरह मेरे को पेन स्टार्ट हो गया। जरा सीधा हो जाइए, इस हिस्से में ज़्यादा है, देखिए इस पॉइंट पे। शियाटिका जैसे मैंने बताया था, नस दब गई है आपकी, L4 L5 होता है ना, यहाँ से वो मणका जैसे देसी भाषा में बोलते हैं वो दब गया है। तो पिछले अलाइनमेंट से थोड़ा सा मसल तो आपके रिलीज़ कर दी हम लोगों ने, एक आज एक अलाइनमेंट और करता हूँ, उसमें पल्विस हम ओपन कर देंगे, आई एम श्योर उससे ठीक हो जाएगा आपका। हैं, सूज निकाल दीजिए आप, उल्टा लेट जाए। थोड़ा सा वर्जिश जो बताइए ना वो ज़रूर करिएगा, और बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करना, उल्टा लेटें, उल्टा इसके अंदर मुँह डाल दें, फेस पूरा दिन लेटे नहीं रहना, थोड़ा थोड़ा चलना है, थोड़ा बैठना है जैसे, फिर थोड़ी सिकाई करनी है, फिर थोड़ा सा मतलब कमर का बेल्ट लगाइएगा, गाड़ी वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करें चलाने के लिए, थोड़ा सा ये ऊपर उठ गया टेढ़ापन की वजह से ना। इसको कंपनसेटरी इफेक्ट बोलते हैं, जब होता क्या है, जब पूरा टांग पे वेट नहीं डलता ना तो बॉडी टिल्ट कर देती है, तो हल्का सा ये ऊपर उठ गया इस वजह से। सीधी करने की कोशिश करिए, टांग होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी, वेट पूरा टांग ले नहीं रही है, इसलिए उसमें छोटापन आ गया है टांग में, थोड़े सा राइट साइड पे हल्की सी शॉर्ट हो गई है, क्योंकि मसल जो है यहाँ के खिंचाव में आ जाती है, तो इसलिए शॉर्ट हो जाती है।
जीन्स वगैरह ज़्यादा ना पहने, थोड़ा ज़्यादा टाइट पहनोगे तब भी थोड़ा दर्द रहता है, मतलब थोड़ा लूज़र वगैरह ना, थोड़ा लूज़र या जो ट्रैक सूट टाइप पहने, थोड़ा कंफर्टेबल रहोगे तो सही रहता है। इस वाले हिस्से में पेन है ज़्यादा, इस पॉइंट से ना मसल में खिंचाव आ जाता है डिस्क की वजह से। सोने के लिए हार्ड वेट यूज़ करते हैं, हार्ड यूज़ करें सोने के लिए, मतलब बिल्कुल तख्त जैसा तो नहीं होना चाहिए, मतलब उस पर कुछ गद्दा डाल लें या कोई पतली सी शीट डाल लें, जैसे योगा टाइप मैट होता है ना, तो आपको दो हफ्ते कम से कम उस पर सोना पड़ेगा, इससे आपकी कमर की थोड़ा सेट रहेगी। फिर कमर थोरेसिक पार्ट कवर करेंगे, फिर नेक वाला पार्ट, फिर लास्ट में हम करेंगे सैक्रोइलियक जॉइंट, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉलो करिएगा, सांस लेंगे सांस छोड़ेंगे जब मैं बोलूँगा आपको। सांस लीजिए, छोड़ें, फिर से लें, छोड़ें, फिर से लें, छोड़िए, फिर से लें, छोड़ें, फिर से लें, छोड़िए, 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 छोड़िए। C7T1 ओपन कर रहा हूँ मैं आपका, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लें, छोड़ें। अब पांव थोड़ा सीधा होने लगा है, चल के देखिए एक बार, चलने में कितना फर्क आया है। उसके बाद फिर सैकरल लेता है, सैकरल भी करेंगे। ध्यान से उठिए, करवट लेके उठे, हमेशा करवट लेके उठा रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा स्टिफनेस है बस, इस वाले में ऊपर पार्ट तो बहुत लाइट हो गया, स्टिफनेस कम होगी, ये थोड़ा सा भी लग रहा है, ठीक है, ठीक है। ये पल्विक का हम अलाइनमेंट करेंगे इसमें, इसको PILIUM बोलते हैं। जर्नली जो आपका इलियम है ना वो सरक जाता है इस तरफ से, तब पुश करके इसको सीधा करेंगे। आप साइड में लेटे उस तरफ मुंह करके, हाथ पकड़िए ऐसे, रिस से पकड़ के रखिए, हाँ यहाँ रखिएगा, बस ढीला 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 ढीला। सांस लें, छोड़ें, फिर से लें, छोड़ें, उल्टा लेट जाएं एक सेकंड के लिए। चलिए साइड कर्व लेके उठे, चल के देखिए जरा, पहले दो तीन कदम धीरे चलिए, फिर थोड़ा सा चल सकते हैं नॉर्मल आप। तो काफी फ्री लग रहा है सर मुझे ना, झुक के देखिए कितना हल्का लग रहा है, काफी हल्का लग रहा है, काफी जा पा रहा है ना, मैं ऑलमोस्ट टच कर पा रहा हूँ। सीधा वही सीधा हो गया, देखिए पूरा पीछे जाने, पीछे जाके देखिए धीरे धीरे धीरे, नहीं कोई पेन नहीं है अभी, हल्का बहुत 1-2% ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ स्टिफनेस जैसा है, बाकी ऑलमोस्ट लग नहीं रहा कि कुछ है मुझे। ठीक है, जो तो आपको एक्सरसाइज दी गई है ना, हाँ जी सर, उनको करो, थोड़ा सा सिकाई करें दिन में दो बारी, थोड़ा जेल लगाइए, डायनापार वोलनी जेल सिमिलर ही होता है, ओके सर, लगा सकते हैं। और थोड़ा झटके वाले काम से बचिए, हाँ बेड पे जैसे मैंने बताया ऊपर, ठीक है, धीरे धीरे करके जो थोड़ा सा स्टिफनेस है वो अपने टाइम के साथ उसको प्रकृति अपने आप नेचर हील कर देगी, इसमें आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं, ठीक है सर। हाँ, महीना दो महीना सामान जो भारी सामान है उठाने से बचें और लंबा ट्रेवल से बचिए, ओके सर। कनाल प्लस का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने इनकी टीम पूरी आई यहाँ पे, इन्होंने पूरा शूट आउट किया। आप अगर इस तरीके की थेरेपी कराना चाहते हैं तो ऊपर जो लिखे नंबर हैं फ्लैश जो हो रहे हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।